मध्य प्रदेश में दशकों से रह रहे 6 पाकिस्तानी प्रवासियों को नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के तहत बुधवार को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। बहन जो खड़ी हुई है वहाँ से सौसल्या बाई से लेके यहाँ तक नंदलाल जी तक, ये पड़ोसी देशों में जो धार्मिक आधार पर पीड़ित हिंदू शरणार्थी कहलाए, जो उन्हें नागरिकता प्रदान करने के लिए आज हम आदरणीय नंदलाल जी बैरागढ़ भोपाल से हैं, आदरणीय अमित कुमार जी बैरसिया रोड भोपाल से हैं, आदरणीय श्री अर्जुन दास जी मंदसौर से हैं, जयराम दास जी भी मंदसौर से हैं, श्री नारायण दास जी मंदसौर से हैं और श्रीमती सौसल्या बाई जी भी मंदसौर से हैं। इन सभी लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आज कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश में पूर्ण की है और उनको आज कागज भी दिए जाएंगे, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पत्रकारों से बात करते हुए मनचंदानी ने कहा, हमें खुशी है कि सरकार ने हमें नागरिकता प्रदान की है। मैं पिछले 31 सालों से ना तो भारतीय था और ना ही पाकिस्तानी, लेकिन अब मैं एक भारतीय नागरिक हूँ। अब सबसे पहले आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA क्या है। दरअसल नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियमों को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम पिछले 11 साल से यहां रहना अनिवार्य था, लेकिन इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल तक किया गया। यानी इन तीनों देशों के ऊपर उल्लेखित 6 धर्मों के बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्यक पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि ये लोग 1988 से 2005 के बीच पाकिस्तान के सिंध प्रांत से मध्य प्रदेश आए थे और इन्हें नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है।